आपकी आवाज। महातूफान विपर्जय से पहले गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। मुंबई, भुज और राजकोट में 7 लोगों की मौत। द्वारका में तूफान का असर चला, तेज हवाएं और समंदर में हाई टाइड। गुजरात के 13 जिलों में प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। कल दोपहर के बाद कच्छ के जखो पोर्ट से टकराने की आशंका। कल 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका। गुजरात और मुंबई के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। द्वारका में चक्रवाती तूफान विपर्जय का असर दिखना शुरू, तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। गुजरात के 7 जिलों से 38,000 लोगों को निकाला गया। द्वारका के 38 गांव और आसपास के 44 गांवों को खाली करवाया। गुजरात में एनडीआरएफ की 17 टीमें रेस्क्यू के काम में जुटी, एसडीआरएफ की 11 टीमें भी तैनात। कच्छ का कांडला पोर्ट कराया गया खाली, करीब 2,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक भेजा गया। गुजरात के मोरबी में नलाखी पोर्ट को भी बंद किया गया, जहाजों ने लंगर डाले। चक्रवाती तूफान विपर्जय का ट्रेनों पर भी असर, 69 ट्रेनें कैंसिल, 32 ट्रेनों को रोका गया। पश्चिमी रेलवे के CPRO सुमित ठाकुर ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और आवाजाही के लिए 26 स्पेशल ट्रेन शुरू की जाएंगी। जूनागढ़ में मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने कोस्टल एरिया का दौरा किया, एनडीआरएफ की टीम के साथ हालात का जायजा लिया। समंदर किनारे बसे लोगों को एनडीआरएफ ने किया शिफ्ट बस से शेल्टर होम्स पहुंचाया। गुजरात के अमरेली में बांटी गई जरूरी चीजें, जफराबाद लोगों को सब्जी, दूध समेत कई चीजें बांटी गई। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय इलाकों का दौरा किया, कहा कि पीएम मोदी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। पुरुषोत्तम रूपाला का बयान, कहा कि द्वारका में 400 से ज्यादा शेल्टर होम्स की गई है पहचान, लोगों ने सुरक्षित जगहों को पहुंचाया गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल स्टेटस इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में पहुंचे हैं, विपर्जय तूफान की तैयारियों को लेकर रिव्यू मीटिंग की है। मुंबई में दिख रहा है विपर्जय का असर, समंदर में उठ रही है ऊंची ऊंची लहरें। मुंबई में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश शुरू, जुहू में भी दिख रहा है तूफान का शुरुआती असर। नवी मुंबई में दिखा विपर्जय का असर, तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। गुजरात के बाद पाकिस्तान की तरफ बढ़ेगा विपर्जय, पाकिस्तान के तटीय इलाकों से लोगों को हटाने की जुटा है प्रशासन। पाकिस्तान के तटीय इलाकों से अब तक 22,000 लोगों को हटाया गया। 15 जून को तूफान आने से पहले 80,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने की कोशिश। ओडिशा के पुरी में सुदर्शन पटनायक ने बनाई सैंड आर्ट, विपर्जय तूफान पर दिया संदेश, लिखा घबराएं नहीं सुरक्षित रहें। रेसलर्स के समर्थन में आज हरियाणा की खाप पंचायतों ने बंद का ऐलान किया, कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग। खाप पंचायतें हरियाणा में ट्रेन और रोड को करेंगी जाम, दिल्ली को दूध सब्जी की सप्लाई भी की जाएगी बंद। रेसलर्स बजरंग पुनिया ने सरकार पर लगाया आरोप, कहा कि पहले भी सरकार ब्रजभूषण को बचाने की कोशिश कर चुकी है, अब भी कर रही है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के लिए 6 जुलाई को होगा चुनाव, रिटर्निंग ऑफिसर ने जारी किया नोटिफिकेशन। हरियाणा में आंदोलन कर रहे किसानों की बात सरकार ने मानी, किसानों ने किया धरना प्रदर्शन। किसान नेता राकेश टिकैत ने किया धरना खत्म करने का ऐलान, कहा कि सरकार ने सूरजमुखी के तय MSP को दिलाने का भरोसा दिया है। बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी की पार्टी महागठबंधन से हो सकती है अलग, मांझी ने 18 जून को बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जीतन राम मांझी के बेटे और मंत्री संतोष मांझी ने दिया सरकार से इस्तीफा, CM नीतीश कुमार ने इस्तीफा मंजूर किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पहुंचे मनाली, चंडीगढ़ 4 लेन केची मोड़ के पास टनल नंबर 1 पहुंचा का काम का जायजा लिया। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का आज शाम को 6 बजे अयोध्या दौरा, अयोध्या मंडल की करेंगे समीक्षा बैठक। तमिलनाडु में बीजेपी उपाध्यक्ष नारायण तिरुपति का DMK पर अटैक, सेंथिल बालाजी को लेकर DMK कर रही है ड्रामा। नारायण तिरुपति की CM स्टालिन से मांग, कहा कि सेंथिल बालाजी मंत्री पद से करें बर्खास्त, ED जांच में सहयोग के लिए कहें। मंत्री सेंथिल बालाजी से अस्पताल में मिले मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री पोंडुमी, शिक्षा मंत्री अम्बिल महेश ने मुलाकात की। तमिलनाडु के मंत्री पोंडुमी का मोदी सरकार पर अटैक, कहा कि बीजेपी की ये बदला लेने वाली कार्रवाई, हम करेंगे इसका सामना। शिवसेना के पोस्टर विवाद में डैमेज कंट्रोल, सिंधे गुट का दूसरा विज्ञापन जारी, बताया कि शिवसेना बीजेपी गठबंधन लोगों की पहली पसंद। दूसरे पोस्टर में PM मोदी, बाला साहेब ठाकरे की फोटो, CM शिंदे के साथ फडणवीस की भी फोटो डाली गई। हरिद्वार के भावनपुर इलाके में मुठभेड़, पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग, एक बदमाश को गोली लगी। इंदौर में माहौल खराब करने की कोशिश, बदमाशों ने एक मस्जिद में फेंकी शराब की बोतल, पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली के सुल्तानपुरी में मामूली बात पर भिड़े दो गुट, बहस के बाद जमकर मारपीट, दो लोगों ने चोट की बात सामने आई। यूपी के संभल में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में आग लगी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 8 घायल। दिवाली के लिए अवैध तरीके से पटाखों को जमा करने की बात सामने आई, तभी घर में आग लगने से धमाका हुआ। दिल्ली के घेवरा गाँव में देर रात एक गोदाम में आग लगी, देखते देखते पूरा गोदाम चला। गुजरात के द्वारका में आग का कहर, जगत मंदिर के पास टेक्सटाइल की दुकान में भीषण आग लगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मारी, 4 लोगों की मौत। राजधानी दिल्ली में और बढ़ेगी गर्मी, तापमान 40 से 45 डिग्री के बीच रह सकता है, बिहार समेत कई राज्यों में हीट वेव। दिल्ली में भीषण गर्मी की बड़ी बिजली डिमांड, साल के अधिकतम स्तर 7,098 मेगावाट तक डिमांड पहुंची।
नाइजीरिया में दर्दनाक हादसा, नाइजर नदी में पलटी नाव, 100 से ज्यादा लोगों की मौत।